अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वी के सर्फिंग से विथड्रॉ कैसे करते हैं वो उसका तरीक़ेकार बताऊंगा। वी के सर्फिंग क्या है, मैंने पहले अपनी वीडियो में भी बताया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वी के सर्फिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है, जिसमें आप अपने प्रोफाइल वगैरह कनेक्ट करके, प्रोफाइल जैसा कि टिकटॉक की आईडी हो गई, इंस्टाग्राम की आईडी हो गई, और वी के और ट्विटर की आईडी कनेक्ट करके आप लोगों को फॉलोवर देंगे और उनके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। अकाउंट बनाने की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज इसका फर्स्ट विथड्रॉ आ चुका है, जो कि उसका 50 रबल है, रशियन रबल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इसका पे का उसका वी के सर्फिंग का डैशबोर्ड खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, बैलेंस रिप्लेसमेंट, ये वो लोग करेंगे जिनको फॉलोवर चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमने कमाने हैं, हमने कमाए हुए हैं, तो हमारे पास 50.24 का बैलेंस है, ठीक है। यहाँ से हमने डायरेक्ट विथड्रॉ करना, विथड्रॉ करने के लिए मेथड है इनके, वेब मनी है, और ये पे है जो हमारे लिए पॉपुलर यूज होता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पेईआर को सिलेक्ट करना है। पेईआर के लिए आपको, आपके पास पेईआर का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास पेईआर का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। उसकी मैंने आईडी जो है ना, ये वाला उसका अकाउंट नंबर है, मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से जैसे विथड्रॉ सेंड करता हूँ, विथड्रॉ के बटन पे ओके करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आपने यहाँ से जस्ट डबल कंफर्मेशन करने के लिए विथड्रॉ करना है, विथड्रॉ करके आपने पे को सिलेक्ट करना है, यहाँ से पे का वॉलेट नंबर डालना है जो मैंने कॉपी किया हुआ है, यहाँ से उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके यहाँ से आपने उसको कंफर्म कर देना है, कंफर्म का बटन नीचे नजर आ रहा है आपको, ये कंफर्म का बटन आपने कंफर्म कर दिया। उसके बाद ये कहता है कि ऑर्डर आपका जो है पेमेंट कंफर्म हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रिफ्रेश कर देना है, यहाँ पे पता चल जाए ताकि हमारे पास इसमें बैलेंस आया है कि नहीं आया। आप देखें, ये जो मेरा है ऑर्डर, मैंने 50 का विथड्रॉ कर लिया है और मेरे पास 0.24 बैलेंस पड़ा हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अपने पेईआर की जो है ना डैशबोर्ड पे अवेलेबल हूँ। यहाँ पे मेरे पास मेरे अवेलेबल जो है ना विथड्रॉ आ गया है अमाउंट, और मेरे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो है वो मेरे पास शो हो रही है कि मेरे पास यहाँ पर 50 रबल्स आए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है मेरे पास वी के सर्फिंग आर यू से ये अमाउंट आई है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में या कैश माल के अकाउंट में कैसे लेकर जाना है, यहाँ पे मैंने अपना कैश माल का अकाउंट भी खोला हुआ है, इसमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये मैंने है कैश माल के अकाउंट में फ़ंड जो है ना 6 आवर्स वो जो है ना डिपॉजिट करवा लिए हैं। जो मेरे का मौजूदा बैलेंस है वो 108 रुपये है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, जस्ट आपने विथड्रॉ करवाने हैं, ठीक है। विथड्रॉ करवाने हैं तो आपके वो इजीली जैज कैश में आ जाए। मैं अभी फिलहाल लिंक कर रहा है इसको, और उसके अलावा मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा दूँ ईमेल का। यहाँ पर मेरे पास इनकी ईमेल भी आई थी कि आपके जो है अकाउंट में, आपको डैशबोर्ड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ से कैश माल में फंड जो है तकरीबन 0.51 जो है मैंने ट्रांसफर किए हैं। पेईआर से पेईआर वालों का मैसेज आया कि आपने जो है पेमेंट कंप्लीट कर ली है, यहाँ पर विथड्रॉ डायरेक्ट करेंगे प्रीव्यू करके, यहाँ पे अमाउंट आपने लगाना है, ये आपके जैज कैश में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट कीजिए, और उसके हवाले से जो मसला आपको आ रहा है, ठीक है। एक मजीद इशू है कि लोगों को डिपॉजिट करवाने नहीं आते, क्योंकि एक कैश मालिक पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो इसमें आपने करना क्या होता है कि बाहर के अकाउंट से आपने यहाँ सर आके डिपॉजिट करवाने, ठीक है। जैसे मैंने ये यहाँ पर डिपॉजिट करवाया, ठीक है। अगर डिपॉजिट में मैंने अपना बैंक लिखना, परफेक्ट मनी मेरे पास नहीं है, ये जैज कैश नहीं है, स्क्रील नहीं है, इजी पैसा नहीं, ठीक है, मैंने वहां से नहीं डिपॉजिट करवाने, मैंने पेईआर में मेरे अकाउंट जितने वॉलेट में अमाउंट पड़ा हुआ है वो वाले डिपॉजिट करवाने। तो मेरे पेईआर के अकाउंट में मैंने अभी अभी 39
रबल विथड्रॉ करवाए हैं, जिसकी हिस्ट्री मैंने आपको दिखाई भी थी। यहाँ से 50 रबल आए, मैंने 13.9 निकलवा लिए बकाया, जो मेरे कुछ रबल से अभी तक अमाउंट यहाँ पर 13 शो करवा रहा है पड़े हुए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर सिलेक्ट करते हैं आप पे इन, तो डिपॉजिट करवाने का तरीका भी बता देता हूँ आपको। यहाँ से आपने अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने ये रख दिया $12, ठीक है, $12 का मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास इस तरह की कोई स्लिप बनकर आ जाएगी, अगर आप इसको कंफर्म करेंगे तो ये आपके पे ईर का लॉगिन पासवर्ड मांगेगा और आपको इस तरह के डैशबोर्ड भी ले जाएगा। यहाँ से आपको अकाउंट मांगेगा और आपने कंफर्म करके इसको रिक्वेस्ट भेज देना है, तो आपका इजीली आप इसमें पेमेंट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक मिलिए नई वीडियो के लिए, अल्लाह हाफिज़।